हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले तो जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साइड में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लेंगे। इससे क्या हो, जो भी हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियोज होती है और चाहे दोस्तों हमारी ट्रिक वाली वीडियोज हो, उनका जो नोटिफिकेशन है आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में आपके लिए 29 मई 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। चाहे दोस्तों कोई से भी एग्जाम हो गवर्नमेंट के, जैसे कि एसएससी सीपीओ हो गया, सीएचएसएस हो गया, एमटीएस हो गया, बैंक पीओ हो गया, बैंक एसबीआई क्लर्क हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीएससी हो गए, यूपी टेट हो गए, सीटी टेट हो गए, केवीएस एग्जाम्स हो गए जो कि DSSB के होते हैं, यूपीएसआई हो गए दोस्तों। और दोस्तों स्टेट पुलिस जो होती है किसी भी स्टेट की, उनके जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करना है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, पढ़ाई वाले ग्रुप है, वहां पे जाके वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। और इसका जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां पे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों हमारे जो चैनल है इसकी एक खास बात यह है कि जो हमारे कल के क्वेश्चन थे एक बार उनको रिवाइज करते हैं पहले, और उसके बाद हम आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं जो हमारे कल के क्वेश्चन थे। जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पर नए हैं वो भी दोस्तों कल के क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे कि कल हमने कैसे क्वेश्चन लेके आए थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं जो कि हमारे कल के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की है। ऑप्शन क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की है, ये किसने की है, फेसबुक ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, किस बैंक ने की है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा की परीक्षण पर रोक लगा दी है, किस बीमारी की, मलेरिया की। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो हम रिवाइज कर रहे हैं इनकी जो स्टेटिक जीके है आपको कल वाली वीडियो में मिलेगी, यानी कि लास्ट वाली वीडियो में आपकी आपको सभी क्वेश्चंस की जो भी स्टेटिक जीके है, चाहे वो कोई से भी क्वेश्चन की हो, सभी की स्टेटिक जीके आपको कल वाली वीडियो में मिलेगी, क्योंकि इसमें मैंने सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में समझाया हुआ है। आप जाके कल वाली वीडियो चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चंबा में चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया है, नितिन गडकरी ने, जो कि हमारे हाईवेज मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है, किस देश ने दी है सहायता, अमेरिका ने दी है पाकिस्तान को, यानी कि यूएस ने। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, किस देश में, नाइजर में, जो कि दोस्तों अफ्रीका की एक कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, नाइजर। और दोस्तों नाइजर की जो कैपिटल का नाम क्या है, नियोमी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही मेहनत करके ऐसी वीडियो लेके आते हैं जिससे कि आपके लिए सभी कंटेंट इंपोर्टेंट हो और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने कोरोना वायरस लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है, किस देश ने की है, जापान ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IMF ने COVID-19 से लड़ने के लिए किस देश को $70 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है, किस देश को, म्यांमार को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, हाल ही में PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए NBPCL के साथ समझौता किया है, किसके साथ, किस राज्य में दोस्तों, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों अच्छी अच्छी योजना परियोजनाओं को चलाने के लिए, वहां पे लाने के लिए PFC ने दोस्तों NBPCL के साथ समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सभी चीजों के बारे में मैंने कल वाली वीडियो में बताया हुआ है, चाहे कोई भी फुल फॉर्म हो जैसे कि PFC की है, NBPCL की है, कल वाली वीडियो जाके आप चेक करें, लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कल वाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं जिससे कि आपको दिख जाए, हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर फ्रेश ब्रांड लॉन्च किया है, किसने किया, सलमान खान ने। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सेना कमांडो का सम्मेलन कहां आरंभ हुआ है, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट COVID-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है, ये किस राज्य सरकार ने किया है, ये किया है राजस्थान ने।
चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट आज नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। उस क्वेश्चन को सभी को नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल ही में किसे मिलिट्री ले जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको? सुमन गवानी को। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस राज्य में स्थित अपने प्लांट को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर एक नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? किस एजेंसी ने रखा है, यानी कि नासा ने। ये कि दोस्तों एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, इन्होंने दोस्तों नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है। आप इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे जो कि हमने रिवाइज कर लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो हमने कल क्वेश्चन पढ़े थे। चलते हैं अब आज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों सभी को आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? नेपाल में, श्रीलंका में, वियतनाम में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा वियतनाम, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे विदेश मंत्री है, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर है हमारे देश के प्रेजेंट टाइम पर, एस जयशंकर, उन्होंने दोस्तों ट्वीट ट्वीट करके बताया है कि इस सिंह जो ये शिवलिंग मिला है ये कहाँ पे मिला है? ये वियतनाम में मिला है। इस शिवलिंग की जानकारी दी है किसने? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और दोस्तों जो वियतनाम है ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, आप प्लीज इसको भी नोट कर लेंगे। ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है इसकी? हनोई। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वियतनाम। और जो वियतनाम की कैपिटल है यानी कि राजधानी है, उसका नाम भी आप लिख लेंगे। जो उसकी राजधानी का नाम है उस वो है हनोई, HANOI, हनोई। और दोस्तों जो करेंसी है वियतनाम की वो है वियतनाम डोंग, वियतनाम डोन है इसकी करेंसी का नाम। आप लिए जो भी मैं लिख रहा हूं आप इसको साथ साथ लिखते रहिए। और दोस्तों जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वियतनाम के, उनका नाम क्या है? न्यूएन ट्रोंग, NUYEN, न्यूएन ट्रोंग। ये दोस्तों वहां की प्रेसिडेंट है, ये भी आप प्लीज नोट कर लेंगे इस इन चीज के बारे में। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, क्योंकि मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं अभी। मैं और जानकारी दूंगा किसके बारे में? मैं जानकारी दूंगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो आप प्लीज इसको नोट कर लेंगे, एक बार वीडियो पोस्ट करके मैं इसको हटा रहा हूं। तो दोस्तों जो न्यू चीफ बने हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, मैं एक बार बता देता हूं, जो न्यू चीफ बने हैं भारतीय पुरातत्व विभाग की, उनका नाम क्या है? बी विद्यावती, बी विद्यावती उनका नाम है जो न्यू चीफ है किसके? भारतीय पुरातत्व विभाग के, बी विद्यावती। और दोस्तों जो आर्कोलॉजिकल सर्वे है इंडिया का, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1861 में, 1861 में इसकी स्थापना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आप प्लीज इस चीज को भी नोट कर लेंगे, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था? वियतनाम। ऑप्शन नंबर जो सी था इसका राइट आंसर था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई है। जो ASI मैंने लिखा है, ASI का मतलब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI इसका मतलब है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से बहुत सारी आपको जानकारी मिल गई है, सारी इंपोर्टेंट जानकारी थी। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों वहां से शिवलिंग मिली है, कहां से? वियतनाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये वियतनाम है जो कंट्री है, साउथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है वियतनाम। आप देख सकते हैं ऊपर चाइना है, नीचे लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, बर्मा है इधर लेफ्ट साइड में, यानी कि म्यांमार, और ऊपर चाइना है। दोस्तों ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, मैंने इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया है? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। गुजरात ने, दिल्ली ने, महाराष्ट्र ने, फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। दोस्तों सभी जो भी अस्पताल है, निजी अस्पताल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार ने उनको सभी को अपने अधिकार में ले लिया है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों जो महाराष्ट्र है उसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट करंट जीके है, एक बार थोड़ा उनको देख लेते हैं।
दोस्तों जो दीपांकर दत्ता है, महाराष्ट्र के बारे में सारे पॉइंट्स हैं ये, आप इनको भी नोट कर लेंगे। दीपांकर दत्ता जो कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है, दीपांकर दत्ता, ये भी आपको याद रखना है। वहां के दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, संजय गांधी गुगुलमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये तीन दोस्तों नेशनल पार्क है, इंपोर्टेंट है, आप प्लीज इनको नोट कर लेंगे। ये दोस्तों एक बुक का नाम है जो कि हाल ही में महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये दोस्तों बुक का नाम है, आप इसको भी प्लीज नोट कर लेंगे। और दोस्तों महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना है जहां पे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य बना है, ये भी आपको नोट करना है, सारे इंपोर्टेंट है चारों पॉइंट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों का आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को फैला दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है, किस देश को, ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, नेपाल को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए नेपाल को $250 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया है, यानी कि नक्शा, हाल ही में नेपाल ने दोस्तों एक नया मैप जारी किया है, इसमें दोस्तों काला पानी का रीजन है उसको अपना क्षेत्र बताया है किसने, नेपाल ने, यानी कि हाल ही में नेपाल ने अपने एक नक्शा जारी किया अपनी कंट्री का, और दोस्तों उसमें जो काला पानी का एक क्षेत्र है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है उसको दोस्तों अपने क्षेत्र में बताया कि ये हमारा क्षेत्र है नेपाल ने। और दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि जो ये काला पानी का क्षेत्र है, यानी कि जो ये काला पानी का क्षेत्र है ये किस स्टेट में पड़ता है, ये किस स्टेट में पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में, आप प्लीज इसको भी नोट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पक्का आ सकता है कि जो काला पानी का क्षेत्र है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन किस कंट्री के बीच, नेपाल और भारत के बीच में, ये किस राज्य में पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में, आप प्लीज इसको भी नोट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी था इसका राइट आंसर था, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप आपने नोट भी जरूर कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो नेपाल है इसकी जो कैपिटल है यानी कि जो वहां की राजधानी उसका नाम क्या है, नेपाल की जो राजधानी वो है काठमांडू, वहां की दोस्तों जो करेंसी है उसका नाम क्या है, नेपाली रुपीज, और वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, बीडी भंडारी, और जो वहां के प्रेसिडेंट है सॉरी प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, केपी शर्मा ओली। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, जो नेपाल के दोस्तों राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, गाय, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काऊ वहां की राष्ट्रीय पशु है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। और दोस्तों एडीबी क्या है, एडीबी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, इसका जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस के मंडलायुग में, और दोस्तों जो एडीबी के प्रेसिडेंट है हाल ही में वो है मासुकु अस्कवा, ये दोस्तों वहां के प्रेसिडेंट है, किसके, एडीबी के, आप प्लीज इनको भी नोट कर लेंगे, सारी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और दोस्तों पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ ऐसी होती है कि आप वहां से बार बार भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अभी सभी करंट अफेयर क्वेश्चंस को, और दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी। कोई कोई से चैनल दोस्तों ऐसे होते हैं कि आपको पेड पीडीएफ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दोस्तों सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वालों पर ₹500 का जुर्माना लगाया है, ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, किस राज्य सरकार ने लगाया है, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सभी क्वेश्चन का जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में आप उसका सभी का आंसर बताना है, बिल्कुल राइट राइट। और दोस्तों जो हरियाणा है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़, हरियाणा कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, वहां के जो चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, एमएल खट्टर, और दोस्तों वहां के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, एस नारायण आर्या। और दोस्तों वहां पे जो सीटें हैं, लोकसभा सीट कितनी है, 10, राज्यसभा सीट कितनी है, 5, और दोस्तों जो विधानसभा सीट है वहां पे है 90, आप प्लीज इन चीजों को भी नोट कर लेंगे साथ में, क्योंकि हम सोचते हैं दोस्तों जितने भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लाई जा सकती है वो हम लेके आते हैं दोस्तों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मुस्तफा हुसैन का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, वो कौन थे? पत्रकार, गायक, लेखक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुस्तफा हुसैन एक लेखक थे, ये इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। और दोस्तों ये उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, किस भाषा के? उर्दू के। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था, मुस्तफा हुसैन का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1936 को, 15 जुलाई 1936 को मुस्तफा हुसैन का जन्म हुआ था। और दोस्तों 1936 का अगर 1936 सन देखा जाए तो दोस्तों इससे कुछ इंपोर्टेंट रिलेटेड इंपोर्टेंट स्टेटिक जीके उनको थोड़े पढ़ लेते हैं, इससे कुछ भी याद आता है। यानी कि दोस्तों जो हुली नेशन पार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी, हुली नेशन पार्क। और दोस्तों जिसको कि जिसका नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया, जो हुली नेशन पार्क है उसका बाद में नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हुली नेशन पार्क था दोस्तों, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, उसका नाम बदलकर बाद में दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पुराना भारत का, यानी कि ओल्डेस्ट वन है, ओल्डेस्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी था इसका राइट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और सभी स्टेटिक जी को भी नोट कर लिया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर, और दोस्तों ये है मुस्तफा, आप देख सकते हैं जो मुस्तफा लेखक थे ये उनकी फोटो है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। हाल ही में सेबी ने एनएचआई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, 7 लाख का, 4 लाख का, 8 लाख का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 लाख, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी ने एनएचआई पर 7 लाख का जुर्माना लगा दिया है, और ये क्यों लगाया दोस्तों मैं इसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों 2016 से 2019 तक एनएचआई ने इंफॉर्मेशन देने में डिले कर दिया था, यानी कि दोस्तों जो सेबी होती है वो सभी से, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनसे इंफॉर्मेशन लेती है। तो दोस्तों जो एनएचएआई है इन्होंने इंफॉर्मेशन देने में डिले कर दिया, यानी कि देरी से इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, इस वजह से दोस्तों सेबी ने एनएचएआई पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। और दोस्तों जो एनएचएआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आप प्लीज नोट कर लेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनएचएआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दोस्तों जो सेबी है एसईबीआई, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, पहले आप इनको नोट कर लिए एक बार, फिर आई होप आपने नोट कर लिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों जो सेबी है एसईबीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसईबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर एसईबी का कहां पे है? वो है मुंबई में। इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन इनका नाम क्या है? अजय त्यागी। किसके? सेबी के। ये आप प्लीज प्लीज जो भी मैं आपको बताया है प्लीज इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी स्टेटिक जीके है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, पता नहीं लगता कि दोस्तों एग्जाम में क्या आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पी कुमारन को किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन को पढ़ लेते, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, सिंगापुर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये है पी कुमारन, इनको हाल ही में सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों जो सिंगापुर है उसकी जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम क्या है? सिंगापुर सिटी, ये आपको एक बार बता देता हूँ। और वो वहां की जो करेंसी है सिंगापुर की वो है डॉलर। और वहां के जो प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? हालिमा याकूब। आप प्रेसिडेंट का नाम लिख लीजिए, जो सिंगापुर की प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? हालिमा याकूब। और दोस्तों हाल ही में एक इंपॉर्टेंट एम्बेसडर और है जो कि दूसरी कंट्री में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारत के एक एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, कहां पर? नाइजर में, जो कि दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है नाइजर। और दोस्तों नाइजर की जो कैपिटल है उनका नाम क्या है? और दोस्तों जो एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? पीके नायर। मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था एक एम्बेसडर जिनका नाम है पीके नायर, ये दोस्तों नाइजर में नियुक्त किए गए हैं। ये कौन है? ये नए एम्बेसडर है नाइजर में।
और दोस्तों जो नाइजर की कैपिटल है उसका नाम क्या है, नियमी, नियामी, NIAMEY। और दोस्तों वहां की जो करेंसी है नाइजर की वो है फ्रैंक, आप प्लीज इसको भी नोट कर लेंगे जो मैंने आपको बताया। फ्रैंक वहां की करेंसी है किसकी, नाइजर की। और दोस्तों जो पी कुमारन है आप देख सकते हैं, ये है पी कुमारन, ये सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, आप प्लीज इसको भी याद रखना है। साथ साथ में मैंने आपको पी के नारायण के बारे में बता दिया है जो कि नाइजर में नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन हो आप मुझे बताएं जरूर कमेंट करके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दोस्तों ये है सिंगापुर, आप देख सकते हैं मैप में, इसके ऊपर बिल्कुल साउथ चाइना सी है, फिर इसके ऊपर साइड में मलेशिया है, और दोस्तों ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि दोस्तों मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ती है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, 4.2%, 0.5%, 3.9% या फिर इनसे कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो फिच, ये S&P है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स। और दोस्तों जो फिच रेटिंग्स थी इसने भी दोस्तों भारत की सेम प्रिडिक्शन की थी 5%। जो फिच रेटिंग्स है ये भी दोस्तों क्या करती है, ये भी किसी भी कंट्री की GDP इसके बारे में बताती है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है, किसी भी कंट्री की फिच रेटिंग्स। और दोस्तों फिच रेटिंग्स ने भी बिल्कुल सेम प्रिडिक्शन की थी किसकी, भारत की, कि 5% की गिरावट आ सकती है किसमें, अर्थव्यवस्था में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के या फिर में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी एस का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। और दोस्तों जो फ्लिपकार्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में फ्लिपकार्ट की। और जिसके फाउंडर्स हैं यानी कि संस्थापक, उनके नाम क्या है, दो संस्थापक हैं, सचिन बंसल और पैनी बंसल, सचिन बंसल और पैनी बंसल इसके संस्थापक है, किसके, फ्लिपकार्ट के, जो किसने की 2007 में इसकी स्थापना करी थी। और जो फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है बैंगलोर में, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है किसका, फ्लिपकार्ट का। और दोस्तों जो प्रेजेंट CEO है किसके फ्लिपकार्ट के, उनका नाम क्या है, कल्याण कृष्ण मूर्ति, कल्याण कृष्ण मूर्ति, इसको भी आप प्लीज नोट कर लेंगे। दोस्तों मैं एक भी चीज आपके लिए छोड़ के नहीं चल जाता क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपको एग्जाम भी क्लियर करना है तो दोस्तों सारी चीजों को मैं लेके आता हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते आगे चलते हैं। और दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है उन्होंने हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट अपनी सेवाएं, यानी कि कुछ सम्मेलन और कुछ ऐप लॉन्च की हुई है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किसने किया है, कर्नाटक स्टेट ने। और दोस्तों अप्सुमा मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है किसने, कर्नाटक स्टेट ने। कोरोना वॉच ऐप भी किसने लॉन्च की है, कर्नाटक सरकार ने। COVID-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी किसने स्टार्ट की है, कर्नाटक स्टेट ने। यानी कि चारों पॉइंट किससे रिलेटेड है, कर्नाटक स्टेट से, आप प्लीज इनको भी चारों को नोट जरूर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों जो कर्नाटक स्टेट है उसके बारे में थोड़ा भी एक बार पढ़ लेते हैं। और दोस्तों जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने चैनल का, जो भी आप, ये हमारे चैनल ड्रीमर्स है, इसके बारे में रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, उनको इस चैनल के बारे में बताए जाकर। और दोस्तों यानी कि उनको सुझाव दें, उनको बताए इस चैनल के बारे में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। और दोस्तों जो कर्नाटक स्टेट है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। वहां का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, 75.36 है। और दोस्तों वहां का जो सेक्स रेशो है कर्नाटक का वो है 1000 मेल पर 973 फीमेल, यानी कि 1000 पुरुष पर 973 महिलाएं।
1,000 मेल पर 973 फीमेल। और दोस्तों वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बीएस येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। वहां के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, राज्यपाल का, वेजू भाई वाला। वहां की जो कैपिटल है क्या नाम है उनका, बेंगलोर, यानी कि कर्नाटक की राजधानी का क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच बेंगलोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह कौन है? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, सुमन भवानी, मार्को स्ट्रायोस, केवी कामत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा मार्को स्ट्रायोस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्को स्ट्रायोस को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एनडीबी, एनडीबी की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2014 में, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई में, जो कि चाइना में पड़ती है। चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो मार्को स्ट्रायोस है, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों केवी कामत, केवी कामत उनका नाम है, जो इनसे पहले जो, यानी कि पूर्व जो, यानी कि प्रीवियस जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या है, केवी कामत। आप इसको भी याद रखेंगे, जो अभी बने हैं उनका नाम है मार्को स्ट्रायो, और जो फिलहाल जो अभी जिन्होंने अपना पद छोड़ा है उनका नाम क्या है, केवी कामत। ये आपको याद रखना है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। दोस्तों ये है मार्को स्ट्रायोस, आप देख सकते हैं इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल ही में ओला इलेक्ट्रॉनिक्स ने कब तक अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है? 2021 तक, 2024 तक, 2023 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2021 तक ओला इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की घोषणा की है लॉन्च करने की। और दोस्तों जो ओला है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। और जो ओला के प्रेसिडेंट सीईओ है उनका नाम क्या है? जो प्रेजेंट सीईओ है उनका नाम क्या है? भावेश अग्रवाल। भावेश अग्रवाल ओला के करंट में सीईओ है, भावेश अग्रवाल, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो दोस्तों इसका थोड़ा क्रेज आने वाला है इंडिया में, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन है उनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए सभी जो भी कंपनीज हैं अपने इलेक्ट्रिक वाहन लेकर आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना तैयार की है? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, किस राज्य ने, कर्नाटक ने, राजस्थान ने, हरियाणा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्नाटक सरकार ने अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना तैयार की है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है डेटाबेस, यानी कि हेल्थ डेटाबेस, स्वास्थ्य डेटाबेस, यानी कि हेल्थ डेटाबेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों मैंने कर्नाटक के बारे में बताया है आपको, और दोस्तों एक बार राजस्थान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए राजस्थान के बारे में थोड़ा। राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर। वहां के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल उनका नाम क्या है, कलराज मिश्रा। और वहां के जो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, अशोक गहलोत। और जो राजस्थान की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 30 मार्च 1949 को, राजस्थान की स्थापना हुई थी। वहां के दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है, जैसे कि सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। ये दोस्तों जो पार्क है, नेशनल पार्क, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी स्टूडेंट आज नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, आभास झा, एस एन राजेश्वरी, सुमन गवानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा एस एन राजेश्वरी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है एस एन राजेश्वरी। यानी कि सीएमडी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सीएमडी यानी कि चीफ
मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन में कोई भी शॉर्ट फॉर्म आया आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी फुल फॉर्म है, सीएमडी, यानी कि सीएमडी कौन बनाई गई है, किसकी, ओरिएंटल बैंक इंश्योरेंस कंपनी कौन बनाई गई है, एस एन राजेश्वरी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1947 को। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1947 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लग रही होगी। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे देना है जो हम लास्ट में आंसर जाके पूछते हैं। और दोस्तों ये है एस एन राजेश्वरी, आप देख सकते हैं इनको क्या बनाया गया है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी बनाया गया है एस एन राजेश्वरी को। बढ़ते आगे दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है, यानी कि माइग्रेंट कमीशन की स्थापना किसने की है, किस राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने। सभी दोस्तों ने, जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं फॉरमेट एग्जाम्स की, सभी ने बहुत ही राइट करेक्ट आंसर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का राइट आंसर था। सभी के कमेंट मैंने पढ़े हैं, सभी का रिप्लाई किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आंसर देने के लिए। और दोस्तों इसका मतलब यह कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों आपको पता भी नहीं लगेगा कि एग्जाम कब आ जाएगा, तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। आज का जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की है, किसने की है, फेसबुक ने, ट्विटर ने, अमेजन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सभी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं आपके सभी का कमेंट मैं पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई भी जरूर करूंगा दोस्तों सभी कमेंट्स का। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट राइट आपको देना है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिखोगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले, प्लीज शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताना है, यानी कि रिकमेंड करना है हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।